हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोनू कसाना, योर इंग्लिश टीचर, एंड दिस इज़ अवर सेकेंड चैप्टर, द फ्रेंडली मंगूज. ओके, वी हैव टू कंप्लीट द बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूज इन टू द हाउस. देख लीजिए ध्यान से, व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूज इन टू द हाउस. ओके, कि फार्मर जो किसान था वो बेबी मंगू को अपने घर में क्यों लाया. ओके, चलिए जी इसका आंसर लिखते हैं. राइट डाउन द आंसर. आंसर इज, द फार्मर ब्रोट अ बेबी मंगूज इन टू द हाउस बिकॉज दे नीड ए पेट सो दैट दियर सन हैड ए कंपेनियन व्हेन ही ग्रीव अप. यानी कि जब उनका बच्चा बड़ा हो जाए तो उसे कंपेनियन मिल जाए. द बेबी मंगूज वुड बी अ फ्रेंड टू दियर सन इन फ्यूचर. बेबी मंगूज उनके बच्चे का बड़ा होकर के मित्र बनेगा, ऐसा सोच करके वो लाए थे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, Why didn't the farmer's wife want to leave the baby alone with the mongoose? कि किसान की पत्नी बच्चे को मंगू के साथ नेबर के साथ अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी. चलिए सेकेंड क्वेश्चन हो गया आपका, चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं. ओके, द आंसर इज, द फार्मर्स वाइफ वॉज अफ्राइड ऑफ मंगूज. फार्मर की जो वाइफ थी वो मंगू से अफ्राइड थी, डरी हुई थी कि वो हार्म कर देगा उसके बच्चे को, हार्मिंग हर चाइल्ड, एंड सो शी डिडंट वांट टू लीव हर बेबी अलोन विद द मंगू. इसलिए वह नहीं चाहती थी मंगू के साथ अपने बच्चे को छोड़ कर के जाए. ओके स्टूडेंट, आई होप समझ आया आपको. चलिए जी अगला नोट डाउन कर. क्वेश्चन 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर्स. किसान ने अपनी पत्नी के डर के लिए क्या कहा. किसान ने अपनी पत्नी के डर के ऊपर क्या कहा, कि डर उसका जो डर था उसके लिए क्या कहा किसान. आंसर है आपका, द फार्मर टोल्ड हिज वाइफ दैट सी डिडंट नीड नॉट बी अफ्राइड एज द मंगू वाज ए फ्रेंडली एनिमल. इट वाज स्वीट एज देयर बेबी एंड देवर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. फार्मर टोल्ड हिज वाइफ दैट सी नीड नॉट बी अफ्राइड एज द मंगूज वॉज ए फ्रेंडली एनिमल. इट वॉज एज स्वीट एज देयर बेबी एंड दे वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है, आप इसे छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. ठीक है, नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 5. 5 क्वेश्चन है, डिड सी रिपेंट हर हैसली एक्शन. हाउ डज सी शो द हर रिपेंटेंस. उसे क्या अपने हैसली रिएक्शन का रिपेंट हुआ, पश्चाताप हुआ, पछतावा हुआ, तो उसने अपने पश्चाताप को, पछतावे को कैसे दिखाया. चलिए जी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं. यस, सी रिपेंटेड देयर हैसली एंड रैश एक्शन. सी रियलाइज्ड दैट द मंगूज हैड एक्चुअली सेव्ड हर चाइल्ड बाय किलिंग द ब्लैक स्नेक. सी रश्ड आउटसाइड लुकिंग फॉर द मंगूज. सी रिपेंटेड बाई सेइंग दैट मंगूज हैड सेव्ड हर चाइल्ड एंड लुक वाट सी हैड डन टू रिपे इट. सी टच्ड द मंगूज दैट ले डैड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग. सी स्टेड लॉन्ग एट द डेड मंगू. ओके,
एक बार फिर से सुन लीजिए. सी रिपीटेड हर हैसली एंड रैश एक्शन. सी रियलाइज्ड दैट द मंगू हैड एक्चुअली सेव्ड हर चाइल्ड बाई किलिंग द ब्लैक स्नेक. सी रश्ड आउट लुकिंग फॉर द मंगूज. सी रिपीटेंडेड बाई सेइंग द मंगूज हैड सेव्ड हर चाइल्ड एंड लुक वाट सी हैड डन टू रिपे इट. सी टच्ड द मंगूज दैट ले डाउन डैड दैट ले डैड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ सोबिंग. सी स्टेड अलोंग एट द डैड मंगूज. ओके स्टूडेंट्स, हैज द बुक एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड. बट दिस वन, डू यू हैव अ पैट, अ डॉग और अ कैट. क्या तुम्हारे पास कोई पैट है, कोई कुत्ता या बिल्ली? अगर है तो यू हैव टू राइट द आंसर येस एंड द नेम ऑफ योर पैट एंड लिस्ट इट डाउन. अगर नहीं है तो आप बस जस्ट नो लिखेंगे एंड फिनिश इज इट. ओके, सो द कोड ऑफ दिस वीडियो इज PET. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.